2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड जो एक साइंस फिक्शन एडवेंचरर मूवी है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर हैं हैंक सॉन कैलानी गाबापा एंड सॉन की ग्रैंडफादर। तो इस मूवी का मेन स्टोरी प्लॉट है एक मिस्टीरियस आइलैंड जो हर 70 साल बाद पानी के ऊपर आ जाते हैं एंड कुछ ही दिनों में पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जर्नी टू इस ब्लॉकबस्टर मूवी का सभी मेकिंग एंड बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। जर्नी टू मूवी में मधुमक्खी का एक अमेजिंग सीन था जहां पे मधुमक्खी के ऊपर बैठ के हैंक सॉन कैलानी सभी एक डेस्टिनेशन पे जा रहा था। तो इस सीन की शूटिंग कैसे करा गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअल में यह वाला शूटिंग एक स्टूडियो के अंदर करा गया था जहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर के स्क्रीन से घिरे एंड टेक्निकल मैकेनिज्म की हेल्प से यह वाला शूटिंग की गई। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बैठ के शूटिंग करी गई वो बाद में सीजी मधुमक्खी के द्वारा रिप्लेस किए गए थे एंड बैकग्राउंड में ग्रीन कलर स्क्रीन के जगह पे सीजी 3D जंगल दिखाए गए हैं। नेक्स्ट सीन में इस मधुमक्खी के ऊपर एक हंगरबर्ड की अटैक सीक्वेंस दिखाया गया था एंड ये सीन भी VFX एंड CG का ही था। इवन यहाँ पे ये स्पाइडर भी CG द्वारा दिखाया गया है। इस सीक्वेंस में रियल कैरेक्टर की CG 3D मॉडल भी क्रिएट करा गया था क्योंकि मूवी के काफी डिफिकल्ट सीन के लिए ये CG 3D मॉडल उसी कैरेक्टर के जगह पे यूज की गई। मूवी का यह वाला शूटिंग हुई थी जब हैंक एंड सॉन एडवेंचर में जाने के लिए चॉपर हायर किए थे। तो यहाँ पे ये जो चॉपर रियल थे लेकिन समुद्र की बीच में जब टॉर्नेडो में चॉपर फंस गए थे उसी सीन को एक CG चॉपर के थ्रू दिखाया गया है एंड यह वाला शूटिंग इसी तरह स्टूडियो के अंदर करी गई थी। जर्नी टू मूवी का शूटिंग सभी रियल लोकेशन पे हुई थी। आपको बता दूं कि मूवी का पूरा शूटिंग हवाई आइलैंड पे करा गया था। मूवी का लगभग 80% इसी आइलैंड का ही था एंड 20% था CG एंड VFX। तो यहाँ पे मूवी का रिकॉर्ड वाइज काफी सारे सेट बनाया गया था जैसे कि मूवी में दिखाई गई ये अटलांटिस सिटी जो मैनुअली बनाई गई एक सेट है एंड ये देखने में कितना नेचुरल वो तो आप देख सकते हैं। मूवी का यह वाला शूटिंग हुई थी जब कैलानी कैप्टन निमो के डायरी लाने के लिए एक गुफा के अंदर गई थी। तो यहाँ पे ये गुफा भी एक सेट जैसा बनाया गया था जो देख के लगेगा कोई रियल गुफा जैसा। लेकिन कैप्टन निमो के डायरी लेने के बाद गुफा की जो डिस्ट्रॉइंग मोमेंट था वो VFX द्वारा दिखाए गए हैं। जर्नी टू मूवी का मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन है यह वाला सीक्वेंस। मिस्टीरियस जंगल में जब हैंक सॉन कैलानी एंड गाबापा जा रहा था तब काफी सारे बड़ा पत्थर के ऊपर से चल रहा था जो एक्चुअल में एक जायंट लिजर्ड के अंडे हैं। तो इसी सीन की शूटिंग भी रियल जंगल के अंदर करा गया था एंड यहाँ पे ये जो अंडे दिखाई गई वो सब स्पेशल आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। एक सीन में गाबापा एक अंडे के अंदर सडनली घुस गए थे एंड अंडे से निकल आए थे। उसी सीन की शूटिंग ऐसी करी गई थी एंड अंडे के अंदर जो लिक्विड था वो अलग से बनाया गया था। लेकिन इसी सीन में जो लिजर्ड के बच्चे दिखाई गई वो CG द्वारा क्रिएट करा गया था जो देखने में काफी रियलिस्टिक है। जर्नी टू मूवी में जो जायंट लिजर्ड अटैक सीक्वेंस है वो तो आप देखी होगी। तो यहाँ पे ये जो जायंट लिजर्ड दिखाई गई वो CG के हेल्प से क्रिएट करा गया था। हॉलीवुड की फेमस VFX कंपनी MPC मूवी का इसी सीन में सभी CG एंड VFX शॉट्स क्रिएट किए थे। लिटरली मूवी का CG और VFX वाला सीन क्रिएट करने के लिए मूवी का उसी सीन को स्टूडियो के अंदर शूट किया जाता है। लेकिन जर्नी टू मूवी में इसी सीन की CG एंड VFX शॉट्स डायरेक्टली रियल जंगल के अंदर क्रिएट करा गया था। इसके लिए MPC टीम को काफी हार्डवर्क करनी पड़ी थी एंड एज ए रिजल्ट जर्नी टू मूवी में इतनी नेचुरल एंड रियलिस्टिक CG VFX देखने मिलते हैं। जर्नी टू मूवी में मिस्टीरियस जंगल के अंदर एक ट्री हाउस था जो सॉन की ग्रैंडफादर के द्वारा बनाया गया था।
तो मूवी में दिखाई गई ट्री हाउस की शूटिंग करने के लिए सच में एक ट्री हाउस जैसा सेट बनाया गया था एंड यह वाला सेट हवाई आइलैंड पे रियल जंगल के अंदर क्रिएट करा गया था। मैं आपको बता दूं कि इसी सेट की कुछ ही जगह पे ब्लू कलर की स्क्रीन है जो बाद में सीजी बैकग्राउंड द्वारा रिप्लेस की गई। मूवी का यह वाला शूटिंग क्लाइमैक्स सीक्वेंस की जब हैंक सॉन कैलनी गाबापा सभी अंडर वाटर नॉटिलस सबमरीन के अंदर गए थे। मैं आपको बता दूं कि यह वाला शूटिंग के लिए सबमरीन की सिर्फ अंदर की स्ट्रक्चर क्रिएट करा गया था एंड सबमरीन के फ्रंट डायरेक्शन पे एक ब्लू कलर की स्क्रीन था जो एडिटिंग के टाइम पे रिमूव करके अंडर वाटर सीजी बैकग्राउंड दिखाया गया था। मूवी के क्लाइमेक्स में इलेक्ट्रिक ईल का एक अमेजिंग सीक्वेंस था जब हैंक एंड सॉन पानी के अंदर सबमरीन की एंट्री डोर ओपन कर रहे थे। उसी सीन की शूटिंग सच में पानी के अंदर शूट करा गया था। इसके लिए एक वाटर टैंक भी बनाया गया था एंड पानी के अंदर ग्रीन कलर की स्क्रीन से कवर किए गए थे जो रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक ईल एंड अंडर वाटर सभी सीन्स दिखाए गए हैं।